जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 10:52 AM सैटरडे 6 मार्च 2021, 10:52 हो गई सुबह की, और 6 मार्च 2021 सैटरडे। तो सबसे पहले आज हम ये देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्क्लेमर सेक्शन। उसके बाद तो इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ रहता है। अब आ जाइए, आप लोग वेबिनार की डिटेल्स भी देख लीजिए, क्योंकि ये होली बम पर आपको मौका है। तो इसके बारे में मैं बता दूं, आपको व्हाट्सअप करना रहेगा मेरे मोबाइल नंबर पे 9635476548। सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा, कॉल करेंगे ब्लॉक हो जाएंगे, बिना बात में लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएंगे। तो डोंट कॉल मी, जस्ट व्हाट्सअप करिएगा अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह नहीं चाहिए। और जो कोर्स सिखाया जाता है उसके कंटेंट आपको नहीं बताए जाते, फिर भी आपको आना, तभी आइएगा। 7000 अगर आप 10 तारीख तक फीस देते हो और उसके बाद देते हो तो 10,000 रुपये। 10,000 भी काफ़ी सस्ता है इस तरह की वेबिनार के लिए। 20 और 21 दोनों दिन है, जूम ऐप पे होगी ये, जूम ऐप पे ऑनलाइन। तो आपके यहाँ पे अगर इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ी भी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, अगर बार बार कटता है तो मत ज्वाइन करिएगा। और ये 20 और 21 मार्च 2021 को है, सैटरडे एंड संडे 4 बजे से रात को जूम ऐप पे होता है। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अब आज ये थोड़ा सा निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। और आज हम मैं आज आपको एक टेक्निक सिखाऊँ जिससे आपका पोजिशनल, अगर आप बाई सेल करते हो तो कुछ सीखना नहीं है, खाली उस टेक्निक को अपनाओगे तो 80% आपको एक्यूरेसी मिलेगी, 80% मोर देन 80%, बिना किसी और नॉलेज के। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन पहले हम थोड़ा सा निफ्टी का एक थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि क्यों नेक्स्ट वीक मैं बुलिश हूँ, बस उतना ही समझाना मुझे। मैं तो अपना वो व्यू 3:30 बजे कल डाल ही दिया था, आपको पता ही है ना, वो ऊपर जाए नीचे जाए उससे मुझे कुछ। अब आप देखिए, अगर हम पहले वीकली कैंडल को देखें निफ्टी की, तो ये पिछले वीक की कैंडल है जो कि पूरी तरह से रेड है, और ये इस वीक की कैंडल है। तो आप देखो, इस वीक ने पिछले वीक के 50% के नीचे भी जाना कबूल नहीं किया। पिछले वीक का लो था 14467, जो कि फ्राइडे को ही बना था, आपको याद होगा फ्राइडे के दिन, और फ्राइडे के दिन क्लोज भी हुआ था 529। और इस वीक का लो भी अगर आप देखो तो 638 है। तो यानी कि ये इस वीक में काफ़ी ऊपर का लो बनाया और एक नया हाई भी बनाया, क्योंकि पिछले वीक का हाई था 176 और इस वीक का हाई है 273, 100 पॉइंट ऊपर हाई बनाया। और इस वीक में इसने बेस बना दिया 800 को, तो बेस बना दिया 800 के नीचे तो ये ज़्यादा देर टिक ही नहीं सकता, ऐसा इसने माहौल बना दिया। तो कहीं ना कहीं जो पिछले वीक के लो में कोई शॉर्ट मार के फंसा है तो उसको एक हफ्ता और रुलाएगा मार्केट, कम से कम एक हफ्ता, 1 वीक और रुलाएगा। यानी कि नेक्स्ट वीक आप 15,400 या 15,400 या 15,500 भी देख सकते हो, ऐसा इसमें चाल दिखा रही है। क्योंकि इसने पिछले वीक का लो से इस वीक में 800 का बेस बना लिया। वो हम अगर इसको अगर हम 15 मिनट का चार्ट करेंगे तो हमको और क्लियरिटी आ जाएगी। 15 मिनट का चार्ट में अगर हम देखना चाहें और लास्ट के सिर्फ 10 दिन के डाटा लेते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि उसमें पिछले वीक की भी डाटा आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखो, ये पिछले वीक की शायद ये क्लोजिंग थी, लास्ट यही होना चाहिए, ये वाली, ये लास्ट कैंडल पिछले वीक की फ्राइडे की थी, यहाँ पे आपको इसकी क्लोजिंग हुई थी। ठीक है, 523 की इसमें 15 मिनट वाली में दिखा रहा है। तो पिछले वीक यहाँ पे मार्केट को छोड़ा गया था, इस वीक मार्केट ने ये गैप अप ओपनिंग किया 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, और ये गैप बरकरार रखा ड्यूरिंग द वीक। देखिए, पिछले वीक की क्लोजिंग कहाँ पे है, 523, इस वीक की ओपनिंग कहाँ पे हुई, 702 पे। अब आप देखो, ये 702 का ये क्या बोलते हैं, लो बना के फिर इसने इस लो को कौन से दिन थोड़ा था यार, यहाँ पे थोड़ा था, तो यहाँ पे इसने एक लो बनाया था नया, नहीं, इसमें 638 का लो बना, 638 का लो बना,
ये पहली कैंडल पे जो लो बना, इस वीक की जो पहली कैंडल 15 मिनट की थी उसी में इस वीक का लो बना। आप सोचिए, पहली जो कैंडल बनी 15 मिनट की, ये वाली, यहाँ पे हम एक लाइन टाँधे तो दिस वॉज द लो। तो इस वीक की शुरुआत ही एक जो लो था, उसके बाद ये लो कभी भी नहीं टूटा पूरी वीक में। ये 9-15 पे 1 तारीख का लो है और ये पिछली वीक की क्लोजिंग है। तो पिछली वीक यहाँ पे क्लोज हुए तो इतना बड़ा गैप रह गया है ना, इस वीक में गैप अप ओपनिंग, लेकिन ये लो यहीं बनाया। उसके बाद आप देखो ये ऊपर गया, वापस इस लो को एक बार रिटेस्ट किया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर ये एक हायर हाई बनाया और ये काफ़ी ऊपर का हाई बना के एक हायर लो बनाया, देखिए ठीक है। फिर एक हायर हाई, सॉरी लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। अब इसको देखिएगा, जब इसने क्या किया था, ये जो गैप छोड़ा था यहाँ पे, इस गैप को, अब ये जो टॉप बनाया था, ये वाला टॉप, इसको कहीं ना कहीं इसने बेस बना लिया। अब मार्केट को आप खराब तभी गिन सकते हो जब मार्केट 14,925 के नीचे बंद होना स्टार्ट हो जाए। तो इसने कहीं ना कहीं अपना बेस को ऊंचा कर लिया, जो कि पिछली वीक यहाँ पे क्लोज हुआ था। तो बहुत ही तगड़ा, और ये जो गिरावट आई फ्लैग की तरह आई। आप देखो इसको, थोड़ा सा मैं इसको और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये साइडवेज हुआ, यानी कि एक सांस लेने के लिए साइडवेज हुआ। थोड़ा सा और डिटेलिंग कर देता हूँ फटाफट। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं, यहाँ से जो उछाल हुई फ्रॉम दिस लेवल, मार्केट एक ट्रेंड में उछाल किया, एक पूरा ट्रेंड का उछाल है, ठीक है। ये ट्रेंडिंग मूव था और ये साइडवेज हुआ, ठीक है, ये साइडवेज हुआ और एक फ्लैग का जैसा पैटर्न निर्माण कर रहा है यहाँ पे, समझ में आया। तो कहीं ना कहीं यहाँ अगर ब्रेकआउट आता है तो 200 पॉइंट तो पहले ही खींच देगा ये। 15,200 तो ये 15,050 के ऊपर निकलते ही तो खींच देगा ये। तो इस तरह से इसने, ये साइडवेज हुआ, लेकिन ये एक्चुअली खराब कब होगा, जब 14,800 के नीचे ये बंद दे देगा। तो ये आपको बता रहा है, अब इसका बेस हो गया 14,800, जो कि पिछले वीक में क्लोजिंग थी 14,525। तो इसने बेस ही 300 पॉइंट ऊपर कर लिया पिछले वीक की क्लोजिंग से। तो अब तो ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब इसको गिरावट का कैंडिडेट कब मान सकते हैं, जब ये 14,800 के नीचे बंद होता। तो ये हो गया। अब आ जाइए वो स्ट्रेटेजी जो मैं आपको सिखाने वाला था, कि भैया जिसको कुछ नहीं आता है और वो पोजिशनली खेलना चाहता है खुद के दम पे, तो मैं आज एक बहुत ही आसान तरीका आपको सिखा रहा हूँ, आपके पूरे जीवन में ये काम आएगा। और ऐसा कहा जाता है स्टॉक मार्केट में, अगर आप 10 ट्रेड करते हो और 1:2 अगर रेशियो रखते हो अपने स्टॉप लॉस का और प्रॉफिट का, 1:2, तो अगर 10 में से 5 ट्रेड भी रॉन्ग हो जाए आपके, तो भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका एक्यूरेसी 80% से ज़्यादा रहेगी और बहुत इजी टेक्निक है। यहाँ पे आपको करना क्या, डेली इसको 6 मंथ्स कर लेना पीरियड को, और इसको डेली कर लेना, डेली कैंडल। और यहाँ पे मूविंग एवरेज आपको सिर्फ दो ही रखना है, 10 EMA और 20 EMA, बस दो। अब इस खेल का, इसका मेन मकसद क्या है वो दिखाता हूँ आपको। आप कोई भी स्टॉक सोच लो, चलो मैं एक स्टॉक सोचता हूँ, ICICI बैंक एग्जाम्पल पे, आपका मन में जो भी, जो खाली निफ्ट, मतलब फ्यूचर्स में ट्रेडेबल होना चाहिए, फ्यूचर्स में ट्रेडेबल। अब मैं इसमें एक ही टेक्निक सिखा रहा हूँ आपको, कि जब भी यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन जो है, क्योंकि यहाँ पे 10 EMA का कलर क्या है, ग्रीन, और इसका क्या है, पर्पल कलर, 20 EMA की पर्पल कलर और ये ग्रीन। तो जब जब ग्रीन कलर, ये देखिए ग्रीन कलर यहाँ से क्रॉस यहाँ पे हुई, पर्पल से क्रॉस यहाँ पे हुई, अगर मैं यहाँ पे इसको बाई कर लूँ, किसको, इस जगह ICICI बैंक की रेट क्या है आप देख लीजिए, मैं हाई पे बाई करता हूँ। चलिए यहाँ जो क्रॉस ओवर हुआ उस दिन का हाई पे बाई करता हूँ, हाई पे तो मिल जाएगा मुझे माल, ठीक है। इस दिन का हाई था 381, तारीख थी 6/10/2020, 6 अक्टूबर 2020 में ये 10 EMA ने क्रॉस ओवर किया 20 EMA को, और इस समय जब क्रॉसओवर किया तब हाई बना था
मैं हाई मानता हूँ, लो मेरा लो पे नहीं भाई हुआ, हाई पे हुआ, हाई पे हुआ तो 381.80 पे मेरा बाई हुआ। चलिए मैं यहाँ पे 6 अक्टूबर को पोजिशनली मेरी बाई होगी 381 इस जगह, ठीक है। इस टेक्निक को कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे मेरी बाई होगी 381 और इसमें आप पोजीशन को कैरी कर सकते हो जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं होता है, या फिर जहाँ आपको लगे कि अब मुझे काट लेना चाहिए, वो काटने की टेक्निक भी बता रहा हूँ कब आपको इसको बुक करना चाहिए। इसमें प्रॉफिट बहुत ह्यूज होता है, बहुत ह्यूज। देखिए एग्जांपल, यहाँ मैंने क्रॉसओवर पे बाई किया, ठीक है, इसके हाई पे क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्रॉसओवर एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो इस कैंडल का जो हाई है वहाँ पे मेरी बाई मानता हूँ मैं, ठीक है। अब स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए जो ये क्रॉसओवर लाइन के नीचे कोई भी कैंडल बनती हो, क्रॉसओवर लाइन के नीचे, तो ये कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होना था। ये कैंडल का लो कितना है हम लोग देख लेते हैं, इसका लो था 350, यहां पे दिखेगा आपको, मैं वापस लाता हूं, 358 आपका स्टॉप लॉस, 358 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो आपका स्टॉप लॉस क्लोज क्लोज आपने लिया 381 पे। आज तक अगर इस पोजीशन को रखते तो आप देख सकते हो 680 आ गया, कितना आ गया 680, 6 अक्टूबर को लिया और 16 फरवरी को 680 आ गया, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे मुझे कहीं तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करने का तरीका क्या है, ये 10-20 से जब भी दूरी काफ़ी बढ़ जाए, 10-20, ये 10 की लाइन है, ये 20 की लाइन है, जब ये दूरी काफ़ी बढ़ जाए उस समय आपको समझना चाहिए कि अब मार्केट जब वहाँ से जब रिवर्स होता है, जैसे ये दूरी काफ़ी बढ़ी हुई है वहाँ से जब रेड कैंडल बन के नीचे दिखाता है, यहाँ आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी एक बार दूरी बढ़ी थी लेकिन रेड कैंडल सिग्निफिकेंट बड़ी रेड कैंडल कुछ भी नहीं बनी तो यहाँ बुक नहीं होता था, और आप ट्रेलिंग कर करके भी बढ़ा सकते हो। तो इसमें सोचिए कितना बड़ा प्रॉफिट आज भी। और एक तरीका है, और एक तरीका पहचानने का कि कब मुझे काटना चाहिए, जब वापस ग्रीन वाली लाइन 10 EMA 20 EMA के नीचे आ जाए तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है। ये लाइन जब तक इसके ऊपर है तब तक आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना, एक ये भी स्ट्रेटेजी है। जब ये वापस सपोज यहाँ कल ये टूट के यहाँ आ जाती है तो यहाँ पे भी बुक हुआ तो भी 600 पे हुआ। चलिए और कोई स्टॉक देख लेते हैं, जो भी आपकी, चलिए अपन SBI देख लेते हैं, SBI में सभी खेलते हैं, फिर रिलायंस भी देख लेंगे। तो सेल भी ऐसे ही कर सकते हो जब ग्रीन वाली इसके नीचे आए। अब देखिए SBI में यहाँ क्रॉसओवर हुआ लेकिन ये टिका नहीं, तो इसका कौन से क्रॉसओवर पे आपको बाई करना चाहिए वो भी आपको जानना है। काफ़ी दिन नीचे रहने के बाद जब ऊपर की तरफ क्रॉसओवर होगा तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ SBI में, तो आप देख सकते हो 200 की रेट थी और ये 400 पहुँचा दिया, उसके बाद कभी भी ग्रीन लाइन पर्पल लाइन के नीचे नहीं आई। तो इसमें आपको हमेशा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा और कभी स्टॉप लॉस भी हुआ तो बहुत छोटा होगा। स्टॉप लॉस क्या होता है, जो कैंडल ने क्रॉसओवर किया उसके पीछे की जो कैंडल जो इन दोनों लाइन के नीचे होनी चाहिए उस वाला का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, सिंपल है। आप किसी भी स्टॉक में इसको ट्राई कर लीजिए और मेरी वेबिनार में आइए और क्लियरली सिखाऊंगा। सपोज मुझे शॉर्ट करना है, चलिए मैं इसको 1 साल का कर देता हूँ चार्ट को, शॉर्ट में भी यही काम आता है पोजिशनल और लॉन्ग में भी। चलिए मैं इसको 1 ईयर कर देता हूँ, अब इसमें आपको शॉर्ट लॉन्ग दोनों दिखेंगे। अब देखिए 1 साल में यहाँ पे इसको शॉर्ट बना रहा है तो ये काफ़ी नीचे नहीं गया, जब वापस इसको काटा तो यहाँ आपको काट, मतलब जब शॉर्ट करने के लिए भी यही आपको यूज़ करना, जब 10 वाली की वैल्यू 20 के नीचे चली जाएगी, ठीक है। अभी 10 की वैल्यू 20 से ऊपर है यानी कि ये स्टॉक बाई में ही है, याद रखिएगा, सिंपल तरीका ये। और इसका और डिटेलिंग चाहिए तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रूफ करूंगा कि इस अकेली जानकारी के भरोसे आप करोड़ों रुपया लाइफ में बना सकते हो ट्रेडिंग करके पोजिशनल, ठीक है। दैट्स इट, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।